जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा हमारे भाइयों के, क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, जो लॉ एक स्ट्रिक्ट लॉ आपके हिसाब से क्या कायम होना चाहिए जो केसेस आ रहे हैं, आप पर्सनली आपके क्या है? मतलब क्या लॉ होना चाहिए और कैसे, वो तो आई एम नॉट अ लॉ मेकर, आई डोंट, बट यस आई थिंक अगर लोग अब बात कर रहे हैं, इफ़ दे आर ब्रिंगिंग इट अप, इफ़ इट इज़ बिकमिंग, इफ़ पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, द मोर वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट देयर स्टोरीज, वो सबसे बड़ी बात है. इसके आगे गवर्नमेंट क्या क्या कर गवर्नमेंट क्या करेगी महिला लोग के लिए, क्या जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपके वर्क स्पेस में, इसीलिए अगर यहाँ भी इट्स अ स्टूडियो डेडिकेटेड फॉर वुमेन, वी वांट टू मेक श्योर दैट वुमेन फील सेफ ओवर हियर, वुमेन फील दे शुड नॉट एवर फील दैट इज एवर वेर एवर दे गो दैट इट्स एन अनसेफ प्लेस, वी वांट टू मेक श्योर दैट वुमेन फील सेफ, और सबसे बड़ी बात है एंड दैट इज स्लो स्टेप बाय स्टेप आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट एंड मेक श्योर दैट वुमेन आर रिस्पेक्टेड, आर एबल टू बी taken seriously and not and obviously wherever they work is an environment that they can feel safe. Thank you so much both of you. Thank you sir. Thank you so thank much. Thank you everybody. Thank you. Thank you.